पाकिस्तान और ईरान का एक मैटर हुआ है। इस डिस्प्यूट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला जो देश है वो है अमेरिका, और अमेरिका के इशारे पर चल रहा है पाकिस्तान आजकल। वो हमेशा से ही चलता रहा है, पीछे से कुछ और सामने से कुछ और। ईरान के साथ अरबों डॉलर की गैस पाइपलाइन की जो परियोजना थी उसे रोक दिया है, उस पर रोक लगा दिया है। इससे पाकिस्तान का ही घाटा होने वाला है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन समझौता कर फंसता हुआ नज़र आ रहा है। इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान को 2024 तक ईरान से गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करना था। इस परियोजना को पूरा करने में पाकिस्तान दोनों तरफ से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के प्रेशर में पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की गैस पाइपलाइन परियोजना को अस्थायी रूप से रोक दिया है। अब जैसे ही ईरान को पता चलेगा कि ये अमेरिका की करतूत है, वैसे ही पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का समझौता किया है, एक्चुअल में क्या है कि पाकिस्तान में एनर्जी की क्राइसिस है, तो पाकिस्तान ने सोचा कि ईरान के साथ कर लेते हैं समझौता और वहाँ से पाइपलाइन ले लेते हैं, क्योंकि रूस से तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस पड़ रहा है। और इंडिया के साथ भी जो मैटर था वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ की वजह से लटक गया है। भारत का जो गैस पाइपलाइन समझौता रूस के साथ था, तो इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान को 2024 तक ईरान से गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करना था। इस परियोजना को पूरा करने में पाकिस्तान दोनों तरफ से फंसता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वह इस परियोजना को पूरा नहीं करता है तो उसे ईरान को भारी भरकम जुर्माना भरना होगा, और वहीं अगर पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को बनाता है तो उसे अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा उसके ऊपर। हंसी आ रही है मुझे। अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि आजकल रसिया कर रहा है। वहीं इस सबके बीच सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने पड़ोसी ईरान से सस्ती ऊर्जा आयात करने के लिए अरबों डॉलर की गैस पाइपलाइन की परियोजना को कुछ दिनों के लिए रोक दिया है, और ये हुआ है अमेरिका के दबाव में, जिसने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेहरान में एक जो एटॉमिक एनर्जी का जो कार्यक्रम चल रहा था उस पर भी रोक लगा दी है। अमेरिका का काम यही है, जहां अपना काम नहीं बनेगा वहां पे टांग अड़ा देगा। यह घटनाक्रम सामने आया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद से अपनी नकदी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो उसे अमेरिकी डॉलर का $3 अरब अमेरिकी के बराबर ऋण देने पर सहमति हुई है। अब इसी सहमति के चलते पाकिस्तान फंस गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को पाइपलाइन निर्माण से रोक लगाने के लिए सख्ती से पेश आने के लिए बोला है। इस परियोजना की शुरुआत में भारत पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के रूप में कल्पना की गई थी, लेकिन बाद में भारत ने इसे इसलिए छोड़ दिया कि पाकिस्तान को बीच में दुश्मन देश के साथ काम नहीं करना, और पाकिस्तान और ईरान के बीच द्विपक्षीय परियोजना बन गई। भारत पीछे हट गया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका द्वारा उस पर कई प्रतिबंधों ने पाकिस्तान को पाइपलाइन का निर्माण करने से रोक दिया है। ये थी कहानी आज की। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि ईरान से आने वाली पाइपलाइन अब नहीं बनेगी, जो 2024 तक पूरी होनी थी। जय हिंद, जय भारत। जानकर हैरानी होगी कि नासा ने 46 साल पहले लॉन्च किया था वॉयजर 2 एलियन के लिए भेजा गया खास मैसेज। अब आपको बताता हूँ पूरी कहानी इस संबंध में। तो मैं आपको बता दूँ कि नासा को तो आप जानते ही होंगे, पूरी वर्ल्ड की जो आपकी स्पेस एजेंसी के रूप में जानी जाती है, वर्ल्ड लेवल की है। नासा का वॉयजर स्पेसक्राफ्ट 46 साल पहले हमारे सौर मंडल के बाहर की यात्रा पर निकल चुका था। 1977 में लॉन्चिंग के बाद से ही इस स्पेसक्राफ्ट ने हमारी कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया। मतलब ये हुआ कि अभी तक यह स्पेसक्राफ्ट धरती से लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर है, फिर भी इसे किसी दूसरे तारे तक पहुँचने में 3 लाख साल भी लग सकते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट पर टाइम कैप्सूल लगा है,
वैज्ञानिकों ने इसे इसलिए भेजा था कि अगर कभी एलियन को यह मिले तो वह धरती पर जीवन के बारे में जान सकें। अगर यह एलियन को मिलता है और वह इसे खोलते हैं तो उन्हें धरती से भेजे गए संगीत सुनाई देंगे। इसके अलावा वॉयेजर की लॉन्चिंग के समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जिमी कार्टर का एक मैसेज सुनाई देगा। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। हुआ ये कि इसके अलावा जो हुआ है वो ये है कि नासा है ना, उसे देखकर भविष्य अनिश्चित लग रहा है। दरअसल नासा ने गलती से इसे संपर्क तोड़ दिया था। अब गलती क्या थी? 12 दिनों बाद जब एक बार फिर से वॉयेजर ने हार्ट बीट भेजा तो नासा ने राहत की सांस ली है। इसका मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ। वॉयेजर पर है रिकॉर्डर से सारी बातें सुनाई देती हैं। मतलब एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर जैको वैन लून ने कहा कि वॉयेजर 2 पर 12 इंच का सोने की परत चढ़ा फोनोग्राफ रिकॉर्डर है जो ऑडियो, चित्रों और प्रकृति की आवाज़ों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी एलियन को यह मिलता है और अगर उनके पास कान हुए तो वो इन सब आवाज़ों को सुन सकेंगे। उनका कहना यह है कि वैज्ञानिक मानकर चलते हैं कि एलियन के पास आँखें कान होंगे क्योंकि जीवन के लिए ऐसी जगह चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के कान होंगे और कान होंगे तो वहाँ पर ऐसी जगह भी चाहिए जहाँ पर वायुमंडल हो, एटमॉस्फेयर हो। वायुमंडल में आवाज़ यात्रा कर सकती है। हम जानते हैं कि वैक्यूम में यात्रा तय नहीं, जो आपकी ध्वनि होती है वो तय नहीं होती। कितनी है वॉयेजर की स्पीड? वॉयेजर अंतरिक्ष यान को सौर मंडल के 4 ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का पता लगाने के लिए भेजा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट पर टीवी कैमरा, अल्ट्रावायलेट सेंसर, मैग्नेटोमीटर, प्लाज्मा डिटेक्टरों समेत कई यंत्र लगे। इनसे नेपच्यून के करीब से उड़ान भरी है ना, और नए चंद्रमाओं की खोज की। यह स्पेसक्राफ्ट 54,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक समय आएगा जब इसके संपर्क में पूरी तरह बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि जब इससे संपर्क पूरी तरह ख़त्म हो जाए लेकिन तब भी यह आगे बढ़ता रहेगा और अपने अंदर चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहेगा। आवाज़ को, चित्र को, प्राकृतिक घटना। जानकर हैरानी होगी कि नासा ने 46 साल पहले लॉन्च किया था वॉयेजर 2 एलियन के लिए भेजा गया खास मैसेज। अब आपको बताता हूँ पूरी कहानी इस संबंध में। तो मैं आपको बता दूँ कि नासा को तो आप जानते ही होंगे, पूरे वर्ल्ड की जो आपकी स्पेस एजेंसी के रूप में जानी जाती है, वर्ल्ड लेवल की है। नासा का वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट 46 साल पहले हमारे सौर मंडल के बाहर की यात्रा पर निकल चुका था। 1977 में लॉन्चिंग के बाद से ही इस स्पेसक्राफ्ट ने हमारी कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया। मतलब ये हुआ कि अभी तक यह स्पेसक्राफ्ट धरती से लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर है, फिर भी इसे किसी दूसरे तारे तक पहुँचने में 3 लाख साल भी लग सकते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट पर टाइम कैप्सूल लगा है। वैज्ञानिकों ने इसे इसलिए भेजा था कि अगर कभी एलियन को यह मिले तो वह धरती पर जीवन के बारे में जान सकें। अगर यह एलियन को मिलता है और वह इसे खोलते हैं तो उन्हें धरती से भेजे गए संगीत सुनाई देंगे। इसके अलावा वॉयेजर की लॉन्चिंग के समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जिमी कार्टर का एक मैसेज सुनाई देगा। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। हुआ ये कि इसके अलावा जो हुआ है वो ये है कि नासा है ना, उसे देखकर भविष्य अनिश्चित लग रहा है। दरअसल नासा ने गलती से इसे संपर्क तोड़ दिया था। अब गलती क्या थी? 12 दिनों बाद जब एक बार फिर से वॉयेजर ने हार्ट बीट भेजा तो नासा ने राहत की सांस ली है।
इसका मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ। वाइजर पर है रिकॉर्डर, एक रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर से सारी बातें सुनाई देती हैं। मतलब एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर जैको वैन लून ने कहा कि वाइजर 2 पर 12 इंच का सोने की परत चढ़ा फोनोग्राफ रिकॉर्डर है जो ऑडियो, चित्रों और प्रकृति की आवाज़ों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी एलियन को यह मिलता है और अगर उनके पास कान हुए तो वो इन सब आवाज़ों को सुन सकेंगे। उनका कहना यह है कि वैज्ञानिक मानकर चलते हैं कि एलियन के पास आँखें कान होंगे क्योंकि जीवन के लिए ऐसी जगह चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के कान होंगे और कान होंगे तो वहाँ पर ऐसी जगह भी चाहिए जहाँ पर वायुमंडल हो, एटमॉस्फेयर हो, वायुमंडल में आवाज़ यात्रा कर सकती है। हम जानते हैं कि वैक्यूम में यात्रा तय नहीं, जो आपकी ध्वनि होती है वो तय नहीं होती। कितनी है वॉयेजर की स्पीड? वॉयेजर अंतरिक्ष यान को सौर मंडल के 4 ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का पता लगाने के लिए भेजा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट पर टीवी कैमरा, अल्ट्रावायलेट सेंसर, मैग्नेटोमीटर, प्लाज्मा डिटेक्टरों समेत कई यंत्र लगे। इनसे नेपच्यून के करीब से उड़ान भरी है ना, और नए चंद्रमाओं की खोज की। यह स्पेसक्राफ्ट 54,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक समय आएगा जब इसके संपर्क में पूरी तरह बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि जब इससे संपर्क पूरी तरह ख़त्म हो जाए लेकिन तब भी यह आगे बढ़ता रहेगा और अपने अंदर चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहेगा, आवाज़ को, चित्र को, प्राकृतिक घटना। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि चीन का बज गया है बैंड, मतलब ड्रैगन को छोड़कर भाग रहे हैं विदेशी निवेशक, जानिए कहाँ जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको चाइना की गिरती हुई अर्थव्यवस्था का कारण बताने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी की हालत खस्ता होने लगी है। उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसका तनाव भी लगातार बना हुआ है। इससे विदेशी निवेशकों, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ने चीन से किनारा करना शुरू कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीनों में जापान के शेयरों में विदेशी निवेश चीन के मुकाबले आगे निकल गया है। साल 2017 के बाद यह पहला मौका है जब ऐसा हुआ है। जुलाई में भी यह बिकवाली जारी है, जबकि चीन और हांगकांग के बाजारों में तेज़ी आई है। मॉर्गन स्टैनली ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में लिखा था कि विदेशी निवेशक चीन से किनारा कर रहे हैं, मतलब वहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और जापान के शेयरों में निवेश कर रहे हैं। लंबे समय बाद अगर हम विदेशी निवेशकों की रुचि का ध्यान रखें तो जापानी मार्केट का रुख कर रहे हैं विदेशी निवेशक। उन्हें लग रहा है कि जापानी मार्केट स्टेबल है। चीन ने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कई उपाय किए, कई तरीके की योजनाएं लागू की और इन सब पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी घोषणा कर डाली, लेकिन निवेशकों को डाउट है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बैंक ऑफ जापान ने हाल में अपने रुख में बदलाव किया है। जानकारों का कहना है कि जापान में मॉनेटरी पॉलिसी सामान्य हो रही है, इससे एन की कीमत में अचानक तेज़ी आने की संभावना नहीं है। यही वजह है कि विदेशी निवेशक अब एक बार फिर चीन को छोड़कर जापान का रुख कर रहे हैं। जापान उन्हें स्टेबल लगता है, अब जापान पर वो दाव लगाएंगे। एक प्रकार का जीवाई तो है लाइफ। एशिया पर फोकस्ड फंड अलायंस ओरिएंटल इनकम के पास $1 अरब के एसेट्स हैं। यह कंपनी चीन से पैसा निकालकर जापान में लगा रही है। जून के अंत में फंड में जो जापान का वेटेज है वो 40% था, जो चीन में कंपनी के निवेश से 5 गुना ज़्यादा है। अब आपको बताएं कि पिछले साल के अंत में जापान में फंड का वेटेज 25% था और चीन में 16% था। जापान के शेयरों की था लेने वाले MSCI इंक ने 2023 में 21% तेज़ी आई है। यही MSCI
चाइना इंडेक्स इस साल महज 0.5% चढ़ा है। अब ये है कहानी। जाने माने इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट ने भी जापान की तारीफ की है। अगर कोई पैसे वाला किसी देश की तारीफ कर दे तो समझो उसके बाबा। एशिया पैसिफिक में जापान के शेयरों के मार्केट अगर हम देखें तो शेयर मार्केट चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। उस शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिल रहा है। चीन की इकोनॉमी सुस्त होती जा रही है और उसके हालात देखकर लोगों को जापान की याद आ रही है। एक ज़माने में जापान की इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी और माना जा रहा था कि वह अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन 1990 के दशक में जापान की इकोनॉमी में ठहराव आ गया। हालांकि तब तक जापान की हाई इनकम वाले देशों की श्रेणी में है ना पहुंच चुका था। मतलब ये हुआ कि जापान में लोग अच्छा पैसा कमा रहे थे, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई थी और अमेरिका के लेवल के करीब था। आज चीन की हालत भी कमोबेश वैसी ही है, कि अंतर इतना है कि चीन मिडिल इनकम पॉइंट से थोड़ा ही ऊपर पहुंचा है। मतलब ये हुआ कि वो अभी विकसित देशों के जो लोगों की इनकम है उसके बराबर नहीं पहुंच पाया है। चीन के नीति निर्माताओं जो नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उनको उम्मीद थी कि चीन जल्दी ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं दिखता है। जय हिंद, जय भारत।